तो दर्शकों, जिसका था इंतजार आखिर वो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश ने साफ साफ बता डाला कि मैं और करण करने वाले हैं इस दिन शादी। अब जब फैंस ने ये बात सुनी तो सुनकर के हो गए हद से ज्यादा हैरान, क्योंकि तेजा और शादी कर लेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली बात है। क्योंकि जब तेजा को कोई भाभी भी बोल देता है ना, तो तेजस्वी प्रकाश थोड़ी सी भड़क जाती हैं। वो कहती हैं, यार ये भाभी भाभी ना बोला करो। अब सोचो ना, इस 5,000 के जो सदस्य ज्वाइन हुए, इसमें दर्शक जो आए हैं, फैंस जो आए हैं, उन्होंने जब ये बात सुनी तो सुनकर के हो गए हद से ज़्यादा हैरान कि आके तेजा ने खुद ही अपने मुँह से अपनी शादी की बात कहते छेड़ डाली। ये बात नहीं हुई फैंस को हजम। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, तेजा अपने प्रोजेक्ट को लेकर के भी बताती हुई नजर आएंगे कि उनका नेक्स्ट सॉन्ग जो आ रहा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा फैंस को हैरान करने वाला है। इसी वजह से सिर्फ 5 मिनट के लाइव आई थी तेजस्वी प्रकाश, ताकि वो फैंस को बता सकें, वो जो जो मैन थे, जिन जिन का लक था वो जुड़ गए लाइव में, वरना बहुत से लोगों को छुड़ गया। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप खुद ही सुनेंगे, मेरी बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि तेजा ने जो जो बातें बोली हैं वो आप खुद इनके मुँह से ही सुनेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखो एक बात और जो कि मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तेजस्वी प्रकाश शायद इस बार हो जाए बिग बॉस का हिस्सा, क्योंकि बिग बॉस में तेजा का एक जो है ना वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बन गई थी। कहाँ तो बिग बॉस में जब आई थी जब इन्हें कोई जानता नहीं था, अब क्योंकि इन्हें हद से ज़्यादा जानते हैं तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रहे हैं कि बिग बॉस का शायद हिस्सा हो जाए तेजस्वी प्रकाश, क्योंकि बिग बॉस का जो इस बार सीज़न आ रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपको आगे का हिस्सा दिखाता हूँ कि आगे तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस में आएंगी या नहीं आएंगी, करण से शादी से लेकर के क्या बात है, सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। आइए चलिए सुनते हैं, मिनट टाइम वेस्ट करें। जर तुम्ही कोणाचा बरोबर कास्ट झालेला आहात, तर त्या कपलला नेहमी लोक शिप करता की बरोबर शी एंड ही सो नाइस, शी एंड ही सो नाइस, तसं आय नेव्हर रिली हॅड दॅट काइंड ऑफ एन अटेंशन, बिकॉज आय नेव्हर रिली वेंट फॉर प्रोजेक्ट्स व्हिच would give me that kind of attention, and attention that I would have to share with my co-star. It is a lot more about the love and the chemistry and all of those things. I would always take up projects where I am doing something, I am expressing, and I am dealing with every character. I have a story graph, I have something to say. And so that is why I've always taken up roles on the basis of what I am doing. And I have the prem pan tyachyamule milalele, कारण की माझं काम लोकांना आवडलेलं आहे. सो इट्स नॉट रिअली मॅटर टू मी हूज कास्ट ऑपोजिट मी, फिर तो कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत मतलब मेरे को कोई भी चल जाता है. लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट लाइक अ हाउ डू आई से इट, इट्स नॉट अ वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट बूस्टफुल, बट या दैट इज हाउ इट इज. नाइस नाइस, कुडोस टू यू. म्हणजे कोणी त्यांच्याबरोबर काम करायला ऑब्व्हियसली मजा येते, खूप शिकायला मिळतं. करेक्ट, म्हणजे नटसम्राट मध्ये मी असले असते तर खूपच मजा आली असती. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तर तसं त्या प्रश्नांची उत्तरं मी बहुतेक देऊ शकेन. लाईक नाना पाटेकर सरांबरोबर जर काम करायला मिळालं असं, तिकडे शिकायला मिळालं असतं, पण ऍज अ हिरो इट रिअली कॅन बी एनीबडी. ओके, लास्ट टू क्वेश्चन्स बिफोर वी मूव ऑन टू अ रॅपिड फायर राउंड. ओके, हू इज युअर फेवरेट क्रिकेटर आणि रिअल लाईफ रोल मॉडेल कोण आहे? Cricket, I don't watch so much, but I think that bowler, I forgot his name, Shami? Okay. Correct, bole me? Mohammad Shami? But he was in the over, I mean, 4 wickets. Correct. 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 Correct, yes, yes. Hang on. There is a little problem with my... Just a second. Yeah, I can hear you now. Yeah. I was... Yes. It was Siraj, not Shami. It's Mohammad Siraj. Tula par nahi maiti hai. People are correcting you also. Hang on, Mohammad Shami ne suddha eka match madhe 4 wickets ghetle hote eka over madhe. So it is the recent match that you're talking about, yes? Recent, that's Siraj. Okay, then that is Siraj, yes. Yes. Okay, I stand corrected, guys, sorry. Okay, so...